आपका स्वागत है फिर से IBPS गुरु चैनल पर। आज हम लोग लेकर आए हैं पार्ट 4 जो कि आपके इंटरव्यू सेगमेंट का है। यहाँ पर याद रखिएगा लास्ट क्वालिफिकेशन में हम लोगों ने डील किया आपका मेन मेटी प्लेस दोनों को हम लोगों ने यहाँ पर डील किया है और अब हम लोग लास्ट क्वालिफिकेशन को डील करने के लिए जा रहे हैं। जब आप इंट्रोडक्शन देंगे तो तीसरा पॉइंट जो होगा वो होगा लास्ट क्वालिफिकेशन। कई लोग ये करते हैं कि आप मैट्रिकुलेशन से वो शुरू करते हैं, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और भी कुछ किया हुआ है कि ये सारी इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं। ये एक गलत तरीका है, कभी भी ऐसा काम न करें। हमेशा लास्ट जो क्वालिफिकेशन है उसे अगर फोकस करें, क्योंकि जब आप बोल रहे हो कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो मतलब ये क्लियर है कि आपने इससे पहले ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन किया ही होगा। तो यहाँ पर टाइम बर्बाद न करें और पूरा का पूरा एक वन बाय वन इंफॉर्मेशन को शेयर ना करें। अगर इंटरव्यू बोर्ड चाहता है तो बिल्कुल दें, लेकिन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में जो आपका लास्ट क्वालिफिकेशन ही ऐड करेंगे। कभी भी इसे आप मैट्रिकुलेशन से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तब होगा आपका इंट्रोडक्शन एक बोरिंग। याद रखो, इंट्रोडक्शन इफेक्टिव होना चाहिए, लंबा नहीं। जो कि आमतौर पर अगर बात करेंगे हम लोग पूरे के पूरे कलकत्ता में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक देखा जाता है कि लोग इंट्रोडक्शन को लिमिट करना ही भूल जाते हैं। 4 मिनट 3 मिनट तक का इंट्रोडक्शन ही देते हैं। याद रखिए, इतना टाइम इंटरव्यू बोर्ड के पास नहीं है आपके लिए। आप 4 मिनट उसे इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन के ऊपर उलझा कर रखेंगे तो वो समझ जाएगा कि यह काम करने वाला कम, बात करने वाला ज़्यादा है। और बैंक में सीधा सा चीज़ है कि काम ज़्यादा बातें कम होती है। आपके बगल का टेबल पर बंदा बैठा रहेगा, दिन भर में हो सकता है आप 8-10 वर्ड ही उससे एक्सचेंज कर पाओगे। तो यहाँ पर आप लंबा इंट्रोडक्शन कतई ना दें और बिना मतलब के आप शब्दों को खींचेगा। जितना लंबा खींचोगे आपसे आपकी नौकरी उतनी ही दूर खींची चली जाएगी। तो बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। तो यहाँ पर लास्ट क्वालिफिकेशन आपका जो है, अब इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके उठेंगे। सपोज करो आप लोगों ने, आपने बोल दिया है कि आपने ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर साइंस से। अब ये कंप्यूटर साइंस के ऊपर आपको बेसिक क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा इस इंट्रोडक्शन के बाद। हो सकता है पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट इज एथिकल हैकिंग, व्हाट इज हैकिंग एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो इसी प्रकार से डिफरेंट अलग अलग क्वेश्चन, कभी लाइन के क्वेश्चन आएंगे, कभी बैंक के क्वेश्चन आएंगे, कभी और भी कंप्यूटर में इनपुट क्या है, आउटपुट क्या, छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने जो लास्ट क्वालिफिकेशन बोला है इसके ऊपर आपको आने वाले समय में अच्छा से क्वेश्चन इंटरव्यू बोर्ड करेगा। तो आप सबसे पहले तैयारी ये करेंगे कि जो आपने लास्ट में ग्रेजुएशन किया है या पीजी किया है तो आप उन सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से रिवाइज करें, खासकर वैसे पॉइंट जो बिल्कुल ही छोटे छोटे और मोटे मोटे हैं। यहाँ पर याद रखना, इंटरव्यू की क्लासेस आपको ये बतला रही है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन अगर आप इसमें डेप्थ में जाने की कोशिश करोगे तो डेप्थ में तो इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए निश्चित तौर पर, लेकिन इंटरव्यू के समय आपको छोटी छोटी बातें ज़्यादा पूछी जाएंगी, न कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें डिस्क्राइब करने का मौका मिलेगा। इंटरव्यू क्योंकि आमतौर पर 10 से 15 मिनट होता है, जिनका बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इंटरव्यू है वो 25 मिनट चला है बैंकों। अब ये 25 मिनट वाले इंटरव्यू का याद रखिएगा, सिलेक्शन भी होता है, रिजेक्शन भी होता है। कहीं ऐसा नहीं है कि जितना लंबा इंटरव्यू चला उतना ही ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। खासकर कुछ ऐसे केसेस में जहाँ पर 3 मिनट में इंटरव्यू से लोग बाहर आए हैं और उन्होंने सक्सेसफुल कैंडिडेट के रूप में अपना रिजल्ट दिया है। मैं आपको बताता हूँ, एक कैंडिडेट थे मिस्टर विनोद गोप, उन्होंने 2014 का इंटरव्यू दिया था। 2014 में जब उन्होंने इंटरव्यू दिया उनसे पूछा गया इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद 2-3 छोटे क्वेश्चन थे और उनसे कहा गया ठीक है आप जा सकते हो, आप तो सब पढ़ के आए ही होंगे। वो लड़का बाहर आया परेशान बिल्कुल हो चुका था, क्योंकि उसने घड़ी देखी तो केवल 3 मिनट उसके इंटरव्यू में हुए थे। अब आप समझ सकते हो यह सरप्राइजिंग था, 3 मिनट में किसी भी कैंडिडेट को बाहर कर देना। बाहर आया वो दौड़ते हुए मेरे पास, बोला कि सर ऐसा हुआ कि 3 मिनट में ही इंटरव्यू खत्म हो गया। मैंने कहा कि ऐसा तुमने क्या कर दिया कि 3 मिनट में ही तुम्हारा इंटरव्यू पूरा हो गया। बोले सर मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने देखा वो लड़का उस दिन बहुत ही अच्छा लग रहा था, उसका डार्क कलर था, यानी कि थोड़ा सा रंग डार्क था, लेकिन व्हाइट शर्ट उसके ऊपर बहुत अच्छी लग रही थी, साथ में उसने अपने पूरे कपड़े बहुत तरीके से पहने हुए थे।
अब आप समझ सकते हैं कि वो जो ड्रेस सेंस उसका था वो परफेक्ट बैंकर की तरह था। और उसके बाद उसकी क्लर्क की इंटरव्यू थी, उसने क्लर्क का भी इंटरव्यू दिया। अब क्लर्क का इंटरव्यू दिया तो रिजल्ट ये था कि क्लर्क ने उसे 16 या 17 मिनट का इंटरव्यू हुआ। अब जब उसके बाद मुझसे पद मिला वो, उसने बताया कि सर नहीं, इस बार तो इंटरव्यू अच्छा गया, लगता है सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सरप्राइजिंग जब 1 अप्रैल को रिजल्ट आई तो वो पीओ और क्लर्क दोनों में पास था। अब समझ सकते हैं कि 3 मिनट में भी सिलेक्शन होते हैं, इसलिए आप समय के साथ इन सिलेक्शन को बिल्कुल भी ना जोड़ें कि मेरा 25 मिनट चला मेरा सिलेक्शन पक्का है, मेरा 15 मिनट चला मेरा सिलेक्शन पक्का है। अगर आपका सिलेक्शन होना है तो वह 3 से 5 मिनट में ही होगा, ज्यादातर वैसे कैसे जहां पर कम समय में इंटरव्यू खत्म की जाती है सिलेक्शन के रिजल्ट पॉजिटिव ही आते हैं कुछ स्थितियों को छोड़कर। तो यहां पर आप कभी भी वैसी स्थिति में ये ना बोले इंटरव्यू बोर्ड से कि सर 1-2 क्वेश्चन और पूछ लेते, इतनी जल्दी खत्म हो गया। ये सब गलती बिल्कुल से ना करें। एक स्टूडेंट ने ऐसी गलती की थी, नतीजा उसके बाद उसका इंटरव्यू 10 मिनट नहीं पूरे 12-13 मिनट और चला और उसका रिजल्ट आया फेलियर। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। तो लास्ट क्वालिफिकेशन को बतलाने का मतलब यह है कि लास्ट क्वालिफिकेशन को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। साथ में अगर आपका इंटर में साइंस रहा है तो साइंस के भी बेसिक्स को देख लो। मैट्रिकुलेशन में तो आपके सारे सब्जेक्ट होते हैं तो वहां तो आपको देखना ही देखना है। तो यहाँ पर याद रखिए, आप अपने सारे जहां जहां डिग्री आपने ले ली है उन सारे सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से देखिए। और ये था हमारा इंट्रोडक्शन का 3rd पार्ट जिसमें आप अपने लास्ट क्वालिफिकेशन को डिस्क्राइब करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, साथ में बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फ्रेंड्स।